शुभम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कई दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था और सही टाइम पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। वो एग्जाम मेरे खत्म हो चुके हैं, अब आपको सही टाइम पे वीडियो देखने को मिल जाएगी और 15 से 20 दिन के बाद हम फेस कैम भी चालू कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एक सेटिंग APK का अपडेट आया जिसको अपडेट करने के बाद कुछ फीचर ऐड हुए हैं जो कि लिटरली काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और न्यू UI के साथ आपको देखने को मिलते हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ऑसम कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कंजूसी मत कीजिए यार, आपकी जैसा ही बंदा हूं यार, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दो और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। 200 लाइक कर रहता हूं, ज्यादा हम रखते नहीं है, बहुत कम टारगेट रखते हैं, तो 200 लाइक का टारगेट आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डाउनलोड मत करना, पहले वीडियो देख लेना, उसी के बाद आप डाउनलोड करना और ट्राई करना। तो सिंपली मैंने इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, जो कि मैं वर्जन दिखा देता हूँ। इस सेटिंग APK का वर्जन क्या है, सेटिंग APK का वर्जन है 2897 APK। इसको आपको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको अपलोड देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये देखते हैं, इस पर ये चैनल है टेक्निकल शुभम, आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर। तो मैं फिलहाल इसको इंस्टॉल कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं इसको अब इंस्टॉल करने के बाद इस नए अपडेट के अंदर। तो फाइनली ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जाता हूं सेटिंग के अंदर। जो पहला फीचर है वो सभी मोबाइलों को नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं मोबाइलों को देखने को मिलेगा जिसके अंदर रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन है, जिनके फोन में रिफ्रेश रेट है 90 Hz या 120 Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, उनको ये फीचर देखने को मिलता है, 120 रिफ्रेश रेट वाला फीचर। जैसे कि मैं बात करूं Mi 10i या Poco X2 या Poco X3 या Mi 10T या Mi 10, जो भी रिफ्रेश रेट हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें ये फीचर देखने को मिलता है, तो उनको न्यू लेआउट आपको देखने को मिल चुका है, पहले ओल्ड था। अब यहाँ पे इस सेटिंग APK को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रिफ्रेश रेट वाला फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे फोन के अंदर परफेक्टली तरीके से वर्क कर रहा है और न्यू UI देखने को मिलता है और काफी ज्यादा कलरफुल है। तो ये फीचर सिर्फ फिलहाल उन्हीं के लिए जिनके अंदर रिफ्रेश रेट वाला फीचर देखने को मिलता है। और जो दूसरा फीचर है वो काफी सारे फोनों में वर्क करेगा, जैसे कि आपको एक बार नेट ऑफ करना पड़ेगा अपने फोन का, ठीक है। नेट ऑफ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। अब नेट ऑफ करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं इंडिया वाले रोम में तो इंडिया वालों ने क्या कर रखा है कि जैसे रिंगटोन पे जाएंगे तो वो डायरेक्ट थीम स्टोर पे चला जाता है, मतलब थीम स्टोर में जाके अपने ऐड दिखाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो चीज डायरेक्ट खुल जाती है। तो इस पर नेट से ऑफ करेंगे तो ये आपका थीम स्टोर नहीं खुलेगा और यहाँ पे आपको MIUI 12.5 वाला लेआउट देखने को मिल जाएगा साउंड वाइब्रेशन में। हालांकि ज्यादा फीचर ऐड नहीं हुए, लेकिन थोड़े थोड़े फीचर यहाँ पे MIUI 12.5 वाले आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा कलरफुल हो चुके हैं और कोई भी परफेक्टली तरीके से वर्क करता है। और हैप्टिक फीडबैक वाला भी एक न्यू लेआउट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि कोई और सेटिंग APK अपडेट आएगा जब देखेंगे, मतलब चाइना में आ चुका हैप्टिक फीडबैक का न्यू अपडेट के अंदर न्यू लेआउट, लेकिन यहां पे अभी नहीं देखने को मिलता। तो यहां पे आपको देखते हैं न्यू लेआउट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि इवेंट वाला अभी चेंज नहीं किया। अलार्म की बात की जाए तो वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा काफी सारे फोनों के अंदर। और एक्टिविटी लॉन्चर में चलता हूं और आपको वहां पे भी दिखाता हूं। एक्टिविटी लॉन्चर में जाने के बाद ये प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिलने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो हमारे चैनल पे पहले बहुत पहले के जुड़े हुए हैं, उनको तो पता होगा सारे फीचर के बारे में। देखते हैं इस प्रकार से एंटी फ्लिकर या फ्लिकर मोड, तो सबसे पहले यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड के अंदर जो कि चाइनीज लैंग्वेज थी वो रिमूव कर दी गई है, देख सकते हैं कोई भी आपको इस प्रकार का आपको नहीं देखने को मिलता। मतलब यहाँ पे थोड़ा UI भी चेंज देखने को मिलता है, पहले थोड़ा इसका UI थोड़ा अलग था लेकिन अब अलग कर दिया गया एंटी फ्लिकर मोड में। और कुछ फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखाता हूं, मैं जाता हूं स्क्रॉल करके, लाइट मोड का इंटरफेस सेम टू सेम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ज्यादा वीडियो लंबी ना हो तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे डैशबोर्ड और फोकस मोड में देखेंगे तो यहाँ पे इसका भी इंटरफेस थोड़ा मोटा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, देखते हैं इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, मतलब थोड़ा सा चेंज किया इसको, और यहाँ पे फॉन्ट भी थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। मैंने सोचा थोड़ा चेंज हुआ है तो आपको बता दिया जाए। तो यही कुछ आपको देखने को मिलता है इस सेटिंग APK के अपडेट के अंदर। हालांकि जो एंटी फ्लिकर मोड वाला फीचर है वो काफी सारे चाइना रोम के अंदर सेटिंग में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन इंडिया में पता नहीं शायद तक 12.5 के साथ है। मैंने सोचा इसको सेटिंग इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पर डिस्प्ले में क्या आप डायरेक्ट शो करने लगे, लेकिन अभी भी एक्टिविटी लॉन्चर से आप उसे देख सकते हैं, अभी तक फिलहाल डिस्प्ले में वो ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई, पता लग गया होगा इस सेटिंग APK में आपको क्या देखने को मिलता है। डाउनलोड लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।